हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमारी आईटी बेस्ड नॉलेज इम्प्रूव कर रहे हैं और प्रीवियस में मैंने काफ़ी वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड कर दी हैं। आज जो हम हमारी वीडियो लेके आए हैं, उसमें हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें फर्स्ट है हमारा पाइथन इंटरप्रेटर, सेकेंड यूजिंग ऑफ कमेंट्स इन पाइथन, थर्ड हमारा वेरिएबल एंड लिटरल्स, एंड फोर्थ हमारा आ जाता है कॉन्स्टेंट्स। तो आई होप आपको मेरी इन वीडियोज़ में अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पाइथन इंटरप्रेटर क्या होता है। आप जैसे कि जानते हैं, इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन आपके प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता जाता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करके मशीन अंडरस्टेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाता है इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन। अब हम देखते हैं पाइथन इंटरप्रेटर क्या होता है, हाउ पाइथन इंटरप्रेटर वर्क्स। ठीक है, पाइथन इंटरप्रेटर कैसे वर्क करता है। पाइथन इंटरप्रेटर इज अ प्रोग्राम दैट एग्जीक्यूट्स अदर पाइथन प्रोग्राम्स। पाइथन इंटरप्रेटर एक प्रोग्राम है जो कि पाइथन प्रोग्राम्स को रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करवाने के लिए वर्क करवा रहा है। पाइथन में जो भी आप लिखेंगे अपने प्रोग्राम्स, उनको रन करवाने में ये अपनी मेजर रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, अ पाइथन प्रोग्राम कंटेन्स सोर्स कोड एंड दिस कोड फर्स्ट कंपाइल्ड बाय पाइथन कंपाइलर। पाइथन का जो प्रोग्राम होता है ना, वो क्या होता है, सोर्स कोड होता है, उसमें सोर्स कोड होता है। सोर्स कोड आप जानते हैं, आप जो भी लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए, हाई लेवल लैंग्वेजेस के लिए प्रोग्राम बनाने के लिए, एक यूज़र जो भी अपने कोडिंग करता है, वो आपका सोर्स कोड कहलाता है। और अगर आपको नहीं पता, तो प्रीवियस की वीडियोज़ में मैंने सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड क्या होते हैं इनके बारे में आपको पहले बता रखा है, तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। एंड दिस कोड फर्स्ट कंपाइल्ड बाय पाइथन कंपाइलर। पाइथन का जो ये सोर्स कोड होता है, वो सबसे पहले पाइथन कंपाइलर के थ्रू क्या किया जाता है, कंपाइल किया जाता है टू प्रोड्यूस बाइट कोड। जो भी आप सोर्स कोड लिखते हो, पाइथन कंपाइलर क्या करता है, उसे बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, विच क्रिएट्स फाइल विथ एक्सटेंशन .py। आप जानते हैं पाइथन की फाइल आपको .py से सेव करनी होती है। ठीक है, उसके बाद पाइथन कंपाइलर जब इसे बाइट कोड में कन्वर्ट करवाता है, तो इसका एक्सटेंशन हो जाता है .py, पाइथन कंपाइलर यहाँ पे ऐड हो जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, MCQs में भी पूछा जा सकता है कि पाइथन कंपाइलर जब पाइथन प्रोग्राम को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, तो किस नाम की फाइल बनती है, तो आपको पता होना चाहिए .py। अब .py फाइल जो बनती है, वो हो जाती है आपकी मशीन इंडिपेंडेंट, यानी आप किसी भी इन्वायरमेंट की मशीन पर, चाहे आप Windows 7 पे रन करवा रहे हो, Windows 8 पे रन करवा रहे हो, तो जिसमें भी आपने ये प्रोग्राम बनाया होगा, है ना, चाहे आपने किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ ही क्यों ना करा हो, उसे ये क्या करेगा, पाइथन कंपाइलर दूसरी मशीन्स पर भी, जो भी आपने प्रोग्राम बनाया था, उसको दूसरी मशीन पर भी चलने के लायक बना देगा। यानी जिस भी प्लेटफॉर्म से आपने अपना प्रोग्राम बनाया, उसको ये एक लेवल पर ले आता है। चाहे आप Windows 10 से बनाएंगे, तब भी पाइथन .py लेवल पर ले आएगा, Windows 7 में बनाएंगे तब भी आपका ये .py लेवल पर ले आएगा। यानी यहाँ पे आके आपका जो कंपाइल किया जाएगा, वो हर एक प्लेटफॉर्म के पे आपका रन भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, दिस बाइट कोड इज़ गिवन टू पाइथन वर्चुअल मशीन। ये जो बाइट कोड हमारा यहाँ से कंपाइल होके आता है, वो किसको दिया जाता है, PVM को। PVM की फुल फॉर्म पाइथन वर्चुअल मशीन, विच कन्वर्ट्स द बाइट कोड टू मशीन कोड आप जानते हैं 0101। अब ये PVM क्या करता है, आपके बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। दिस मशीन कोड इज़ रन बाय द प्रोसेसर एंड फाइनली द रिजल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। ये जो कोड होता है, वो आपके प्रोसेसर के द्वारा रन किया जाता है, जो मशीन कोड होता है, क्योंकि आप जानते हैं मशीन तो केवल मशीनरी लैंग्वेज ही समझती है। ठीक है, तो वो आपका प्रोसेसर रन होता है, और फाइनली आपको रिजल्ट आपके आउटपुट के रूप में मिल जाता है। तो एक इसे हम चार्ट से भी समझ लेते हैं, वर्किंग प्रोसेस बाय चार्ट। आपने कोई फाइल बनाई .py एक्सटेंशन से, आपने सेव कर दी, जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में सीख ही लिया होगा। सोर्स कोड है, आपने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा। पाइथन कंपाइलर क्या करेगा, इसको सबसे पहले बाइट कोड में कन्वर्ट करवाएगा, और इसके जो भी फाइल है, चाहे 10 पे बनाई हो आपने, विंडोज 7 पे बनाई हो, या जिस भी प्लेटफॉर्म से बनाई है, उसे मशीन इंडिपेंडेंट, यानी हर एक मशीन को सपोर्ट करने वाली फाइल में कन्वर्ट कर देगा .py पाइथन कंपाइलर। अब यहाँ पे आपका बाइट कोड जनरेट हो गया। ठीक है, अब बाइट कोड जनरेट होने के बाद आपका जो PVM होता है, ठीक है, PVM में आपके देखिए एक इंटरप्रेटर होता है, जो कि आपके प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता जा रहा है, और एक होता है आपका कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर में को क्या कहा जाता है, इसमें जस्ट इन टाइम भी होता है ना, जस्ट इन टाइम यानी आपके जो प्रोग्राम की स्पीड है, उसको क्या कर देता है, ये इंक्रीज़ कर देता है PVM में कंपाइलर। ठीक है,
अब आपका बाइट कोड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मशीन कोड में। मशीन कोड के बाद आपका प्रोग्राम आपको आउटपुट के रूप में, रिजल्ट के रूप में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये प्रोसेस समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं एक बार पीवीएम के बारे में देख लेते हैं, पाइथन वर्चुअल मशीन क्या होती है। पीवीएम इज अ सॉफ्टवेयर कंटेन्स एन इंटरप्रेटर दैट कन्वर्ट द बाइट कोड टू इंटू मशीन कोड। पीवीएम एक सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करता है, आपके बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। पीवीएम इज मोस्ट ऑफन कॉल्ड बाय पाइथन इंटरप्रेटर। पीवीएम को पाइथन इंटरप्रेटर के नाम से भी जाना जाता है, कह सकते हैं। पीवीएम कंटेन्स अ कंपाइलर इन एडिशन टू द इंटरप्रेटर। पीवीएम कंपाइलर भी इन एडिशन में होता है, पीवीएम में, जो कि क्या करता है, इंटरप्रेटर के साथ ही होता है, वर्क करवाता है। द कंपाइलर इज कॉल्ड जस्ट इन टाइम। और ये जो कंपाइलर होता है क्या कहलाता है, आपका जस्ट इन टाइम कहलाता है, GIT कंपाइलर, विच इज यूजफुल टू स्पीड अप एक्सटेंशन एग्जीक्यूशन ऑफ द पाइथन प्रोग्राम। यह ऐसा कंपाइलर है जो कि आपके प्रोग्राम की स्पीड को बढ़ाता है। तो आपको आई थिंक समझ में आया होगा कि कैसे आपका हाई कोड, आपका सोर्स कोड बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ, बाइट कोड से आपका मशीन कोड जनरेट हुआ, देन आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ। बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कौन करवा रहा है, आपका पीवीएम करवा रहा है। पीवीएम में दो होते हैं, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, दोनों ही यहाँ पे वर्क करते हैं, जो कि इंटरप्रेटर आपके लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को पढ़ता जा रहा है, और जस्ट इन टाइम क्या कंपाइलर क्या करवा रहा है, आपके प्रोग्राम की स्पीड को इनक्रीज करवा रहा है। अब आते हैं यूजिंग कमेंट्स। आपने उसमें सीखा ही था कि किस तरह HTML में आप अपने प्रोग्राम्स के लिए कमेंट लगाते हैं, जो कि केवल यूजर्स को दिखते हैं, आउटपुट रिजल्ट में वो शो नहीं होते। उसी तरह पाइथन प्रोग्रामिंग में भी आप कमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। कमेंट्स इन पाइथन बिगिन विथ हैश मार्क। अब पाइथन में किस तरह से आपके कमेंट्स स्टार्ट होते हैं, हैश मार्क से, एंड वाइट स्पेस कैरेक्टर और वाइट स्पेस कैरेक्टर एंड कंटिन्यू टू द एंड ऑफ द लाइन। जो जब भी आप हैशटैग लगा के अपना कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो किस में माना जाएगा, आपका कमेंट में माना जाएगा, केवल यूजर्स को दिखेंगे, आपके प्रोग्राम के आउटपुट पे आपको शो नहीं होंगे। एग्जांपल A=10 लिख दिए यहाँ पे हैशटैग लगा के, दिस इज अ कमेंट, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिख दिया कि दिस इज अ कमेंट। तो अब अगर ये प्रोग्राम रन होता है तो केवल A10 ही दिखेगा, ये कमेंट यहाँ पे शो नहीं होगा। एक आपके लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन फॉर यू, टेक्स्ट इक्वल टू, यहाँ पे मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में ये एक टेक्स्ट लिखा है। अब आपको बताना है कि क्या ये कमेंट है या नहीं है। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके बताना है कि क्या ये जो टेक्स्ट के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या ये मेरे प्रोग्राम में कमेंट है या नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है पाइथन मल्टी लाइन कमेंट्स, ठीक है। ये तो था सिंगल लाइन कमेंट का, आप एक लाइन लिख रहे हैं, इन लाइन कमेंट्स था वो, तो कि एक लाइन में इन लाइन में आपने कमेंट लिख दिया। अब अगर आप चाहते हैं बहुत सारी लाइंस पर कमेंट्स देना तो आप क्या कर सकते हैं, हेयर आर टू मेथड्स फॉर मल्टी लाइन कमेंटिंग इन पाइथन, ठीक है। फर्स्ट आ जाता है, दी फर्स्ट वे इज सिंपली बाय प्रेसिंग द रिटर्न की आफ्टर ईच लाइन, एडिंग अ न्यू हैश मार्क एंड कंटिन्यू योर कमेंट फ्रॉम देयर। यानी क्या कह रहा है कि जो भी आपकी लाइन है ना, उस आपने कमेंट दे दी यहाँ पे हैशटैग, अब जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। गुड गुड के बाद क्या करेंगे, आप एंटर प्रेस करेंगे और जो भी दूसरी लाइन है वहाँ पे फिर से हैशटैग लगा के आप दूसरी लाइन का कमेंट दे सकते हैं। तो मल्टीपल लाइन के लिए, मल्टी लाइन्स के लिए आप इस तरह से कमेंट लगा सकते हैं। ये तो एक मेथड, एक और मेथड है, अनदर थिंग यू कैन डू टू डू इज यूज मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स बाय रैपिंग योर कमेंट इन साइड अ सेट ऑफ ट्रिपल कोट्स। एग्जाम्पल, यानी आप अगर कमेंट देना चाहते हैं मल्टी लाइन्स का, मल्टी लाइन्स का कमेंट देना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 3 quotes लगाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसा कि अभी ऊपर आपने देख ही लिया, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 3 quotes स्टार्टिंग के, नीचे भी आपको यहाँ पे 3 quotes लगाने, ये मेरा यहाँ पे रह गया है, ठीक है। तो ये आपको मैं बता रही हूँ कि 3 quotes आपको अपसाइड में लगाने और 3 quotes आपको कमेंट के, जो भी टेक्स्ट आप कमेंट में देना चाहते हो उसके बाद में आप लगाएंगे, तो क्या होगा, ये भी मल्टीपल लाइंस पे कमेंट करने के लिए हम यूज़ में ले सकते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। ये मेरा प्रिंट में रह गया, यहाँ पे मुझे 3 बार लगाने, 3 बार स्टार्ट करने थे और 3 बार यहाँ पे डबल कोट्स को, ट्रिपल कोट्स का मुझे यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। तो आप समझ गए, ट्रिपल कोट्स लगाने हैं आपको मल्टीपल लाइंस पे कमेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक वायर वेरिएबल्स एंड लिटरल्स,
ठीक है, वेरिएबल्स अभी तक आपने सुना भी है। अ वेरिएबल इज़ अ नेम विच इज़ यूज टू रेफर मेमोरी लोकेशन एंड होल्ड वैल्यू। ठीक है, जैसे आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो अब वेरिएबल क्या होता है, जो कि आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में जाए इनपुट करवाने के लिए मेमोरी लोकेशन बनाएंगे कि एक प्लेस पे ये वेरिएबल जाए और ये अपना लोकेशन वहाँ पे ले ले, है ना। तो वेरिएबल क्या होता है कि मेमोरी आपके जो भी मेमोरीज हैं उन पर जाकर असाइन हो जाए ताकि आप उसमें कोई भी वैल्यू वहाँ पे रख सके। ठीक है, जब कोई आपके पास वेरिएबल होगा तभी आप उसमें कोई वैल्यूज असाइन कर पाएंगे ना। तो वेरिएबल होते, वेरिएबल इज़ अ नेम विच इज़ यूज टू रेफर मेमोरी लोकेशन, जो भी आप मेमोरी लोकेशन पर अपना स्पेस बनाना चाहते हैं उसके लिए वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हैं। इन पाइथन वेरिएबल्स ऑल्सो कॉल एस एन आइडेंटिफायर, पाइथन वेरिएबल्स को हम एन आइडेंटिफायर के नाम से भी जानते हैं। आप आइडेंटिफायर भी बोल सकते हैं और वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल देखते हैं, जैसा कि आप अगर उसमें थे, है ना, सी या सी प्लस प्लस में वेरिएबल्स का क्या देखेंगे, तो आपको क्या करना पड़ता था, यहाँ पे इंटीजर देना पड़ता था किस टाइप का है आपका, फिर आप ये वेरिएबल दे रहे हैं ना, ये वेरिएबल है और ये उसमें वैल्यूज असाइन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपने क्या दिया है उसका किस टाइप का है, आपने यहाँ पे वेरिएबल दिया है और उसमें वैल्यूज असाइन करिए। जबकि पाइथन में आपको ये इंटीजर, फ्लोट और इस तरह से आपको इनके टाइप लिखने नहीं पड़ते, केवल आप क्या लिखते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में, जो भी आपने वेरिएबल लिया है ना, उसका नेम दे देता है और जो भी आप उसमें वैल्यूज असाइन करवाना चाहते हैं केवल आपको वो ही लिखना होता है। देखिए पाइथन प्रोग्रामिंग इनसे काफ़ी सिंपल है, यहाँ पे आपको वेरिएबल्स के नेम एंड असाइन और टाइप भी लिखना पड़ता है, जबकि पाइथन में आपके वेरिएबल के टाइप्स का हमें यूज़ नहीं करना पड़ता। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, अगर आप जानना चाहते हैं कि वेरिएबल का टाइप क्या है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 100 है यहाँ पे, ठीक है, हमने लिया एक x इक्वल टू 100। अब आप जानना चाहते हैं कि ये किस टाइप का है, तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, टाइप ब्रैकेट में लिख दिया x, तो ये एंटर करेंगे वैसे ही देखिए बता देगा कि इसका कौन सा टाइप है आपका, इंटीजर टाइप का आपका वेरिएबल है। ठीक है, इसी तरह ये एक न्यू वेरिएबल लिया और उसमें 10.2 लिखा, अब हम इसका टाइप जानना चाहते हैं टाइप v, तो यहाँ पे बता देगा ये फ्लोट टाइप का आपका वेरिएबल है, यानी ये पॉइंट्स वाला आपका वेरिएबल है। ठीक है, तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि आपने जो भी वेरिएबल लिया है उसमें वैल्यू असाइन करी वो किस टाइप का आपका है, इंटीजर है, फ्लोट है, या किस भी टाइप का। वेरिएबल आर क्रिएटेड व्हेन फर्स्ट असाइन, एक सेकेंड, यहाँ पे ये रह गया है कि नेक्स्ट आता है गुड वेरिएबल नेम, आप एक अच्छा वेरिएबल नेम कैसे ले सकते हैं। चूज मीनिंगफुल नेम इंस्टेड ऑफ शॉर्ट नेम, आप शॉर्ट नेम ले सकते हैं, जैसे रोल नंबर ले लिया आपने और अंडरस्कोर इनके बीच में लगा दिया बिना इसके कि आरएन लेने के, है ना। आपको समझ में भी आ रहा है कि आरएन से देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा, जबकि आपने रोल नंबर लिया है तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि ये वेरिएबल का क्या नेम है। नेक्स्ट, मेंटेन द लेंथ ऑफ अ वेरिएबल नेम, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज टू लॉन्ग, है ना, आपको लेंथ भी ज़्यादा बड़ी नहीं रखनी चाहिए अपने वेरिएबल लेते टाइम। बी कंसिस्ट रोल नंबर और रोल नंबर, आप या तो ये रखिए या फिर इसी रखिए, जो भी रख रहे हैं आप उन्हीं के अकॉर्डिंग रखिए, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है। अगर आप आर कैपिटल में लिख रहे हैं तो इसको अलग वेरिएबल मानेगा, और अगर आप आर स्मॉल में लिख रहे हैं तो उसे अलग वेरिएबल ये मानेगा। बींग अ वेरिएबल नेम विथ एन अंडर स्कोर कैरेक्टर फॉर अ स्पेशल केस, कई केसेस में स्पेशल केस में आप अंडर स्कोर का यूज़ भी कर सकते हैं आपके वेरिएबल नेम लेने के लिए। नेक्स्ट आता है लिटरल्स, ठीक है, वेरिएबल्स हमने पढ़ लिया, अब लिटरल्स की बात करते हैं। लिटरल इज़ अ रॉ डेटा गिवन इन अ वेरिएबल और कॉन्स्टेंट। लिटरल क्या होता है, जो भी रॉ डेटा होता है ना, जैसे अभी हमने वैल्यूज असाइन करी थी तो वो वैल्यूज़ क्या थी, हमारी लिटरल कह रही थी। लिटरल्स कैन बी डिफाइंड एज अ डेटा दैट इज गिवन इन अ वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। लिटरल क्या है, आपका जो भी वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स में आप जो भी वैल्यूज असाइन करते हैं वो आपका लिटरल के रूप में माना जाता है। पाइथन सपोर्ट द फॉलोइंग लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल्स, न्यूमेरिक लिटरल्स, बुलियन लिटरल्स, नॉन लिटरल्स एंड लिटरल कलेक्शंस, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स की।
आप जानते हैं स्ट्रिंग लेटर्स यानी आप कोई भी टेक्स्ट लिख रहे होते हो वो आपका किस में माना जाता है, स्ट्रिंग में माना जाता है। स्ट्रिंग लेटर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय क्लोजिंग इनक्लोजिंग अ टेक्स्ट इन अ कोट्स, कोट्स के बीच में आप जो भी लिखते हैं वो आपका स्ट्रिंग लिटरल्स के रूप में माना जाता है। वी कैन यूज बोथ सिंगल एज वेल एज डबल कोट्स फॉर अ स्ट्रिंग, हम सिंगल और डबल कोट्स दोनों का हमारे स्ट्रिंग लेने के लिए यूज में ले सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, एक तो हमने यहाँ सिंगल इन्वर्टेड कोट्स लगाए हैं और यहाँ डबल कोट्स लगवाए। अब हम करवाना चाहते हैं प्रिंट नेम वन हो जाएगा और प्रिंट नेम टू, तो जैसे हम इसका रिजल्ट आउटपुट देखेंगे तो हमें ये मिल जाएगा कि चाहे सिंगल कोट्स हो या डबल कोट्स हो, हमें हमारा जो भी टेक्स्ट है स्ट्रिंग है वो हमारा रिजल्ट के रूप में मिल जाएगी। देन आता है न्यूमेरिक लिटरल्स, नंबर स्टोर्स न्यूमेरिक वैल्यूज, जो भी नंबर से रिलेटेड होती है वो आपकी न्यूमेरिक लिटरल्स में जानी जाती है। पाइथन स्टोर्स नंबर्स ऑब्जेक्ट्स व्हेन नंबर इज असाइन टू अ वेरिएबल्स, पाइथन जो भी किसी वेरिएबल में नंबर्स असाइन किए जाते हैं उन्हें नंबर ऑब्जेक्ट्स के रूप में मानता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने दे दिया वैल्यू वेरिएबल्स में 30 और 50, तो ए एंड बी आर नंबर्स ऑब्जेक्ट, ठीक है, ए और बी यहाँ पे क्या जाएंगे आपके नंबर ऑब्जेक्ट्स माने जाएंगे क्योंकि यहाँ पे आपने नंबर्स दिए हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिक लिटरल्स के बारे में आप समझ गए। न्यूमेरिक लिटरल्स कैन बी बिलोंग टू फॉलोइंग फोर डिफरेंट न्यूमेरिकल टाइप्स। फर्स्ट आता है इंट, जो भी आपके बिना डॉट के डिजिट्स होते हैं वो आपके इंटीजर में माने जाते हैं, ठीक है। सेकेंड आता है लॉन्ग, लॉन्ग इंटीजर्स यूज्ड फॉर अ हायर रेंज ऑफ वैल्यूज, आपकी हायर रेंज से रिलेटेड कोई वैल्यूज है वो आपके लॉन्ग इंटीजर्स में माने जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिए ही गए हैं, ठीक है। थर्ड आ जाता है फ्लोट, कोई पॉइंट वाली जो भी आपकी वैल्यूज होती है वो आपकी फ्लोट में मेजर की जाती है, ठीक है। फोर्थ आ जाता है हमारा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे कि पॉइंट भी हो, टेक्स्ट भी हो, कोई स्पेशल मार्क्स भी हो तो वो आपके कॉम्प्लेक्स के अंडर में आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से चार आपके ये होते हैं कि जिनसे आपको पता चलता है कि किस किस तरीके से आपके जो टेक्स्ट नंबर्स होते हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं। उसके बाद आता है बुलियन लिटरल्स, बुलियन लिटरल्स क्या होते हैं, जहाँ पे आपकी टू वैल्यूज़ फाइंड की जाती है ना, जहाँ पे ट्रू और फॉल्स की कंडीशंस होती है ना, कि अगर कंडीशन ट्रू हो और फॉल्स हो तो वो आपके बुलियन लिटरल्स में माने जाते हैं। इन सब का प्रैक्टिकल हम हमारे आगे की क्लासेस में करेंगे, तब आपको ये अच्छे समझ में आ जाएंगे। नन लिटरल्स, पाइथन कंटेन्स वन स्पेशल लिटरल एग्जाम्पल नन, कभी कभार पाइथन में नन लिटरल्स भी होता है। नन इज़ यूज टू स्पेसिफाई टू दैट फील्ड दैट इज़ नॉट क्रिएटेड, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर एंड ऑफ लिस्ट इन पाइथन, ठीक है। कोई फील्ड आप नहीं क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए आप नन का यूज कर सकते हैं, और नॉर्मली इसका पाइथन के एंड में भी हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है, एक हमने वेरिएबल लिया उसमें 100 असाइन करा है और सेकंड वेरिएबल में हमने नन कर दिया। अब अगर हम वेरिएबल फर्स्ट को प्रिंट करवाना चाहते हैं, चाहे ऐसे लिख दें तो देखिए 100 आ रहा है, और प्रिंट VS2 लिखेंगे तो हमें यहाँ पे उसका नन का रिस्पॉन्स मिल जाएगा, यानी हम कुछ भी असाइन नहीं करवाना चाहते तब हम नन भी लिख सकते हैं। फिफ्थ आता है हमारा लिटरल कलेक्शन, सच एज लिस्ट टपल्स डिक्शनरी, ये हमारी किस में आ जाते हैं, लिटरल कलेक्शन आ जाती है। अभी केवल इसके बारे में शॉर्ट में, आगे इसके बारे में डीप में बताया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स यानी फिक्स वैल्यूज, ठीक है। आप चाहते हैं कि ऐसी कोई फाइल बना दी जाए कि जो फिक्स रहने वाली चीज़ें हैं, जैसे पाई का मान हो गया, ग्रेविटीज हो गई, या और भी कुछ ऐसी वैल्यूज़ है जो कि हमेशा फिक्स रहती है ना, तो आपने उन्हें क्रिएट करके किसी दूसरी फाइल में हमेशा सेव कर दिया, और जब भी आपको ज़रूरत पड़ी आपने उस फाइल का यूज़ कर लिया। तो आप इस तरीके की फाइल्स भी क्या कर सकते हैं, पाइथन में क्रिएट कर सकते हैं, जिनकी वैल्यूज़ आप हमेशा क्या रखवाना चाहते हैं, कॉन्स्टेंट यानी फिक्स रखवाना चाहते हैं। तो देखते हैं इसके बारे में, कॉन्स्टेंट इज़ टाइप ऑफ वेरिएबल हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। कॉन्स्टेंट की जो वैल्यूज होती है ना, आपने वेरिएबल में वैल्यूज असाइन करवा दी इसकी, तो वो वैल्यू जो असाइन करवाई है वो आगे चेंज नहीं की जा सकती। इट इज हेल्पफुल टू थिंक ऑफ कॉन्स्टेंट्स एज अ कंटेनर्स दैट होल्ड इंफॉर्मेशन विच कैन नॉट बी चेंज लेटर। यह उन केसेस में बहुत ही अच्छे कंटेनर के रूप में हेल्पफुल रहता है जिसमें कि आप फ्यूचर में उन वैल्यूज़ को चेंज नहीं करवाना चाहते और उनका अपनी किसी भी फाइल में यूज़ करवाना चाहते हैं। उस केस में कॉन्स्टेंट्स जो आपके वेरिएबल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपके हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि आपको डायरेक्ट जो आपने एक बार सेव कर दिया उस फाइल को एक्सेस करके आप उसका यूज़ कर रहे हैं, आपको बार बार उसके रिजल्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपने CSS फ्रेमवर्क में भी देखा था, ग्लोबली आपने कोई दूसरी फाइल
बना दी थी W3CSS की, है ना, तो उस फाइल का आप यूज़ कर रहे थे अपने HTML की कोडिंग में, उसी तरह कॉन्स्टेंट क्या कर देते हैं हम, कुछ वेरिएबल्स फिक्स करके एक न्यू फाइल में सेव कर देते हैं ताकि वो वहाँ हमेशा सेव रहे और जब भी आपको उस डेटा की रिक्वायरमेंट आप वहाँ से एक्सेस करके उसका यूज़ कर सकें। तो आप समझ गए कॉन्स्टेंट यानी आपकी वैल्यूज़ क्या हो जाती है इसमें, फिक्स रह जाती है। असाइनिंग वैल्यू टू अ कॉन्स्टेंट इन पाइथन, पाइथन में किसी वैल्यू में कॉन्स्टेंट को असाइन करने की क्या प्रोसेस है ना, कैसे कैसे किया जा सकता है। इन पाइथन कॉन्स्टेंट्स आर यूजुअली डिक्लेयर एंड असाइन ऑन अ मॉड्यूल। पाइथन में जो आपके कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना वो डिक्लेयर किए जाते हैं, डिक्लेयर करना आप जानते हैं, जैसे वेरिएबल दे दिया आपने, इक्वल टू लगा दिया और उसका जो भी वैल्यूज थी वो आपने लिख दी, आपने क्या कर दिया डिक्लेयर कर दिया। असाइन ऑन अ मॉडल, मॉडल वो एक तरह से फाइल हो जाएगी, ठीक है, जिसमें कि क्या करेंगे आप अपने कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल्स की वैल्यूज लिख देंगे। अब मॉडल क्या हुआ, हेयर मॉड्यूल मीन्स अ न्यू फाइल कंटेनिंग वेरिएबल्स फंक्शन एटसेट्रा विच इज इम्पोर्टेड टू मेन फाइल। तो यानी मॉड्यूल क्या हो गया, एक ऐसी फाइल हो गई जिसमें क्या क्या होता है, आपके वेरिएबल्स होते हैं, बहुत से फंक्शन होते हैं और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी मेन फाइल जिसमें कि आप अपना प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें क्या की जा सकती है, इस फाइल का इम्पोर्ट किया जा सकता है यानी उसको वहाँ पर ऐड किया जा सकता है। तो ये होते हैं आपके मॉड्यूल, एक दूसरी फाइल, ठीक है। इनसाइड द मॉड्यूल कॉन्स्टेंट्स आर रिटर्न इन ऑल कैपिटल लेटर्स, ठीक है। अब एक मॉड्यूल में जो आप कॉन्स्टेंट्स को असाइन कर रहे होते हैं, डिक्लेयर कर रहे होते हैं, तो जो भी आप लिखते हैं अपने क्या बोलते हैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स को लिख रहे हैं तो किस में लिखे जाते हैं, आपके कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टेंट्स किस लेटर में लिखे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टेंट्स हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखे जा सकते हैं। एंड अंडरस्कोर सेपरेटिंग द वर्ड्स, और वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए आप किसका यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। बट कॉन्स्टेंट्स के लिए हम वैल्यूज वेरिएबल्स कैसे लिखते हैं, हमारे कैपिटल लेटर में लिखते हैं। अब इसका एक एग्जांपल कर समझ के देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। डिक्लेयरिंग एंड असाइनिंग वैल्यू टू अ कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। क्रिएट अ कॉन्स्टेंट फाइल, ठीक है, जिसका आप एक्सटेंशन क्या दे दोगे, py दे दोगे, ठीक है। आपने कॉन्स्टेंट फाइल बना ली, यहाँ पे हमने क्या दे दिया, फाइल का नेम कॉन्स्टेंट दे दिया। अब वहाँ पे हमने दो वैल्यूज दिए और वेरिएबल्स दिए, ठीक है। py का मान लिखा, देखिए हमने कैपिटल में लिखा है, ठीक है, और उसका जो भी वैल्यूज है वो हमने यहाँ पे फिक्स कर दिए। ग्रेविटी लिख दी हमने 9.8, देखिए ये दोनों हमने कैपिटल लेटर में लिखे हैं रूल्स को फॉलो करते हुए। अब क्या कर रहे हैं, आप एक मेन फाइल बना रहे हैं जिनमें कि आप क्या करेंगे, इन्हें इम्पोर्ट करना चाहेंगे। क्रिएट अ मेन फाइल जो किससे सेव होगी, आपकी .py से सेव होगी। अब देखिए इम्पोर्ट कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट के जो भी वेरिएबल्स हैं उन्हें हम क्या करवाना चाह रहे हैं, अब इम्पोर्ट करवाना चाहते हैं। और प्रिंट क्या हो जाए, कॉन्स्टेंट ये जो फाइल का नेम है .py, इस फाइल का जो नेम है उसके बाद डॉट करके हमने हमारे यहाँ पे वेरिएबल को कैपिटल में लिख दिया। इसी तरह कॉन्स्टेंट डॉट ग्रेविटी, तो जो भी हमारी कॉन्स्टेंट नाम की py की फाइल थी उस फाइल का नेम दे दिया हमने यहाँ पे डॉट, और उसका जो वेरिएबल है उसका हमने यहाँ पे नेम दे दिया, ठीक है। हम इन दोनों को प्रिंट करवाना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम के थ्रू। अब हम इसका आउटपुट देखेंगे, तो देखिए आउटपुट क्या दिख रहा है, कॉन्स्टेंट में जो py की मान थी, वैल्यू थी, है ना, वो कितनी थी 3.14, वो 3.14 हमें यहाँ पे शो हो गई। इसी तरह ग्रेविटी की जो वैल्यू थी 9.8, वो 9.8 हमें यहाँ पे शो हो गई। तो आपने देखा कॉन्स्टेंट की हमने एक अलग फाइल क्रिएट करी है और इसकी हमने एक अलग फाइल क्रिएट करी और उसका हमें आउटपुट मिल रहा है। तो आई होप आपको कॉन्स्टेंट फाइल किस तरह क्रिएट करनी है, किस तरह से उसको मेन फाइल में इम्पोर्ट करना है और क्या हमारा आउटपुट आएगा, अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।